सब लोग अच्छे खा रहे हैं। नहीं वास्ते तो मैडम को बुला देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू वैशालीज़ क्रस्टी क्रीम। वी आर लाइव ऑन आवर पेज, दैट इज़ वैशालीज़ क्रस्टी क्रीम। लेट द सम पीपल जॉइन, देन विल स्टार्ट आवर टुडेज़ लाइव सेशन। हेलो अर्चना, हाय तजिंदर, हाउ आर यू ऑल। हेलो कविता, हाय कल्पिता, तजेंद्र वेटिंग फॉर योर वीडियो, थैंक्स तजेंद्र। रेशमा, हेलो रेशमा, हाउ आर यू। हाय कंचन, हाय गौरी, थैंक यू सो मच। लेट सम मोर पीपल जॉइन, थोड़े और लोगों को ज्वाइन होने दो। प्लीज़ शेयर द वीडियो सो दैट सम और लोग थोड़े ज्वाइन करें, वो भी थोड़ा नए टेक्निक सीख सके। हेलो नीलम, हाय चैताली। टुडे वी आर गोइंग टू मेक कॉफ़ी केक। आज हम एक फ्लेवर बना रहे हैं, दैट इज़ कॉफ़ी फ्लेवर, ओके। और उसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ पाइपिंग टेक्निक्स, डिफरेंट फ्लावर्स पाइपिंग टेक्निक्स, जो इजी है और उसके लिए आपको कोई फ्लावर नहीं लिया हो, ऐसे कोई चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। विदाउट टूल्स हम उसको डायरेक्टली केक पे पाइप कर सकते हैं, ओके। सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लेयरिंग, हम पहले लेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माई चॉकलेट केक, ये मैंने चॉकलेट केक बना के रखा है, नॉर्मल चॉकलेट केक है, प्लेन स्पॉन्ज। उसके साथ आई एम गोइंग टू पेयर द कॉफ़ी फ्लेवर, कॉफ़ी फ्लेवर हम बना रहे हैं। तो उससे पहले हम लेयर्स कट करते हैं। सो एज यूजुअल हमें लेयर्स कट करने हैं। तो मैं इसके तीन लेयर्स पहले कट कर लेती हूँ, इक्वल पोर्शन के हमें इक्वल लेयर्स कट करने हैं। सो फर्स्ट मार्क करो कि आपको कहाँ पे चाहिए, सो दैट मार्किंग हो तो आपको एक गाइडलाइन मिलती है, एंड देन इक्वल पोर्शन सबके रेडी होते हैं। अदरवाइज आप एक करने के बाद दूसरे को मार्किंग करने जाते हो तो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते। इसके लिए इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर द इक्वल पार्ट्स, पहले मार्किंग करो उसके बाद लेयर्स कट करो। नाउ फर्स्ट एक लेयर मैंने कर लिया, नाउ सेकेंड लेयर। एंड थर्ड लेयर, ओके। नाउ फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द लेयरिंग, हम लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आज कॉफ़ी फ्लेवर। कॉफ़ी फ्लेवर में आई एम यूजिंग दिस कॉफ़ी डिकॉक्शन, ये कॉफ़ी डिकॉक्शन है। कॉफ़ी डिकॉक्शन मीन्स मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून पानी लिया है, गर्म पानी, और उसमें 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर को मैंने मेल्ट करके रखा है। सो दिस इज़ माई कॉफ़ी डिकॉक्शन। एंड उसके बाद ये मेरे पास और एक है कॉफ़ी, आयरिश कॉफ़ी सिरप है, ओके। आयरिश कॉफ़ी सिरप है ये, सो दिस इज़ माई आयरिश कॉफ़ी, ये आपको मिल जाता है मार्केट में। सो दिस इज़ आयरिश कॉफ़ी, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो बोथ द थिंग्स, ये है कॉफ़ी डिकॉक्शन और ये है आयरिश कॉफ़ी, दिस बोथ आई एम यूजिंग इन अ फ्लेवरिंग। सो ये दोनों मैं फ्लेवरिंग में यूज़ कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द, और इसे हमें क्रीम के साथ पेयर करना है, ओके, नॉट विद द गनाश।
अगर चॉकलेट केक है फिर भी मैं इसे क्रीम के साथ पेयरिंग कर रही हूँ, बिकॉज कॉफ़ी का फ्लेवर क्रीम के साथ ज़्यादा अच्छा आता है कंपैरेटिवली गनाश। गनाश का खुद का फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है कि कॉफ़ी का फ्लेवर उसमें इतना ग्रेट आता नहीं, इसके लिए मैं क्रीम के साथ कर रही हूँ। सो फर्स्ट हम बोर्ड लेंगे। दिस इज़ ऑल आई शो यू लाइक एक बिगिनर कैसे काम करेगा, उसके लिए मैं आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ कि अगर कोई बिगिनर ये वीडियो देख रहा है सो दैट वो भी अच्छे से लेयरिंग कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द क्रीम मैं पहले बोर्ड के साथ मेरा फर्स्ट लेयर स्टिक कर रही हूँ, दैट इज़ माई मिडल लेयर। ओके, ये मिडल लेयर मैंने रखा। मिडल लेयर रखने के बाद हम कॉफ़ी डिकॉक्शन यूज़ करेंगे, बट कॉफ़ी डिकॉक्शन में मैं ये मेरे शुगर सिरप में ऐड कर रही हूँ। ओके, सो ये जो शुगर सिरप है उसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये। सो ये जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी डिकॉक्शन था वो मैंने शुगर सिरप में ऐड कर लिया। सो दिस विल एनहांस योर कॉफ़ी फ्लेवर बेसिकली। अगर ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा एनहांस करना है देन यू कैन आइदर ऐड इसेंस, कॉफ़ी इसेंस, या फिर इस तरह से कॉफ़ी डिकॉक्शन ऐड कर सकते हो। सो ये मैंने शुगर सिरप में ऐड किया कॉफ़ी डिकॉक्शन और उसको उससे अभी स्पॉन्ज को सोकिंग कर रही हूँ। उसके बाद हाय मैम स्वप्ना, हाय मैम वैशाली, थैंक यू, हेलो एवरीवन, किन्नरी हाय, कविता हाय मैम, हेलो काइना, हाय मैम मौसमी, हाय हेलो, हेलो एवरीवन। नाउ हमें एक क्रीम का अच्छे से क्रीम लेके सेंटर में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो जैसे मैंने हर लाइव में दिखाती हूँ, आपको होल्ड करना है पैलेट को और फर्स्ट फिंगर से प्रेशर देके जस्ट स्प्रेड करना है इस तरह से। ओके, और फिर सेंटर में पैलेट नाइफ रख के हम इसे स्ट्रेट कर रहे हैं सो दैट एक्सेस क्रीम निकल आएगा और एक स्मूथ सरफेस हमें मिलेगा। आरती, कैन वी ऐड कॉफी पाउडर होल बेकिंग स्पॉन्ज? यस यू कैन ऐड, बट कॉफ़ी पाउडर से बेकिंग में थोड़ा सा अरोमा आपका कम हो जाता है। अगर आप बेकिंग में स्पॉन्ज में डालते हो तो उतना अरोमा बाद में रहता नहीं, इसके लिए यू कैन ऐड जस्ट कॉफ़ी डिकॉक्शन वाइल सोकिंग, तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। दक्षता, सुषमा, जसविंदर, हेलो, हाय, हेलो एवरीवन। आरती, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड आरती, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग? नाउ ये मैंने एक फुल स्पून यहाँ पे कॉफ़ी का फ्लेवर लगा दिया है। ओके, दिस इज माय आयरिश कॉफ़ी फ्लेवर। इसके बाद नेक्स्ट लेयर, सो ये नेक्स्ट लेयर है, इसे भी मैं पहले सोक कर लेती हूँ। ब्राउनी एंड ब्लॉन्डी सेशन ये वीक मंथ के एंड में है, 31st आई गेस। मंथली शेड्यूल में आप देख लो अपने। देन फर्स्ट विल कंप्लीट द होल प्रोसेस, टॉप पे भी हमें कंप्लीट करना है और साइड्स में भी कंप्लीट करना है। सो अगेन मैं यहाँ पे क्रीम लगा रही हूँ। Can you please show the bottle of coffee? Yes, I already showed. Again, दिखाती हूँ मैं आपको। This is my
आयरिश कॉफ़ी फ्लेवर है ये, ओके। नाउ ये जो एक्सेस क्रीम है उसे मैंने साइड में लगा दिया। और थोड़ा सा, सो मेरे साइड्स भी कवर हो गए। आरती प्लीज सेंड मंथली शेड्यूल। यस यस, आई विल शेयर इट ऑन माय पेज। रुचिता, हेलो मैम, ऑलवेज वेट फॉर योर सेशंस। थैंक यू सो मच रुचिता। सो नाउ दिस इज वी आर डूइंग क्रम्ब कोटिंग। चॉकलेट केक के साथ अगर आप क्रीम यूज़ कर रहे हो तो बी केयरफुल के ज़्यादा क्रम नहीं निकले, और वो तभी नहीं निकलते जब आप प्रेशर हल्का देते हो। जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतने आपके ज़्यादा क्रम निकलेंगे, तो जितना कम प्रेशर है उतने आपके क्रीम में क्रम मिक्स नहीं होते। ओके, नाउ अगेन आपका सेम सिमिलर ये है प्रोसेस। सेकेंड लेयर के साथ भी हम वापस कॉफ़ी का फ्लेवर दे रहे हैं। रेशमा, वी हैव टू आस्क फॉर आयरिश कॉफ़ी फ्रॉम केक शॉप और एनी अदर शॉप? यस, इट्स रिटन ऑन दैट के आयरिश कॉफ़ी फ्लेवर है ये। कितनी के जी प्रीमिक्स यूज़ के लिए कितनी के जी का केक आए? हाफ जो स्पॉन्ज बनतो नेहमी आपल्या जो रेसिपीचा, तो 300-325 ग्रॅमचा स्पॉन्ज आहे। मित्तल, मॅम विच प्राइस आयरिश कॉफी फ्लेवर? दॅट मीन्स बॉटल का प्राइस चाहिए या फिर केक का प्राइस चाहिए? आय एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। अगर आपको केक का प्राइस चाहिए देन यू कैन चार्ज 500 हाफ के जी। नाउ अगेन हम जैसे ये लास्ट लेयर रख रहे हैं, लास्ट लेयर में मैं दोनों तरफ से सोकिंग कर रही हूँ, बिकॉज मैं ये जो बॉटम पार्ट है वो सबसे ऊपर लेने वाली हूँ, तो मैं पहले यहाँ से अच्छे से सोकिंग कर लेती हूँ। मनीषा, हाय। अश्विनी, हाउ मच चार्ज फॉर दिस केक? 500 मिनिमम, हाफ के जी। Those who like coffee, तो coffee lovers के लिए ये बहुत ही tasty cake बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है सबको। Bottle price में भी इट्स अ स्मॉल बॉटल, सो 185 इसकी प्राइस है, हाफ लीटर का बॉटल है ये। $500 अगेन, आप थोड़ा सा स्टडी कर लो कि आपके एरिया में ये कितने जनरली कितने में आप बेच सकते हो। सो एरिया का भी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू सेल द केक, आपका लोकल एरिया क्या है ये बहुत मैटर करता है। जया, हाय। चेतना, मैम हाउ मेनी टू चार्ज रसमलाई केक? एटलीस्ट 600-650 नहीं, हाफ के जी नहीं। हाँ, आप ऑनलाइन क्लास में ले सकते हो? यस, ऑनलाइन क्लासेस आर ऑलरेडी अवेलेबल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर इन माय ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन सेशन यू कैन जॉइन एनी टाइम, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, हैंड्स ऑन एज वेल एज ऑनलाइन।
सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दैट इज़ क्रम कोटिंग. ओके, जस्ट मैं अभी 5 मिनट इसको फ्रिज में रख देती हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक सम डिफरेंट कलर फॉर द फाइनल कोटिंग. और ये जो प्रॉब्लम होती है आप सबको कि चॉकलेट केक के साथ वाइट क्रीम अगर है तो बहुत सारे क्रम आते हैं और वाइट क्रीम में मिक्स होते हैं और फिर वो सरफेस पे दिखते हैं, ये सबका जनरल प्रॉब्लम है. सो फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर द एटलीस्ट हाफ एन आवर केक को सेट करो फ्रीज में. तो हम इसे अभी हाफ एन आवर केक को सेट कर रहे हैं फ्रीज में, बट अभी हाफ एन आवर नहीं करेंगे डेफिनेटली, जस्ट 5 मिनट में रखती हूँ. बट यू हैव टू डू एटलीस्ट 5 मिनट आप हम इसे रखते हैं, यू हैव टू गो फॉर द हाफ एन आवर सो दैट वो क्रम्स आपके अच्छे से सेट हो जाएंगे और आप जब नेक्स्ट लेयर लगाते हो क्रीम का तो उसके ऊपर क्रम्स नहीं आएंगे. ओके, इज इट मनामा ब्रांड? यस यस. आरुषि, सिरप कौन सा है? सिरप आयरिश कॉफी सिरप है. पूजा, दिस इज कॉफी फ्लेवर? यस. मनीषा, शुगर सिरप मध्ये काय ऐड केलं? शुगर सिरप मध्ये मी थोडंसं पाणी 1 टेबलस्पून वाटर के साथ मैंने 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड किया था, दैट इज़ कॉल्ड कॉफ़ी डिकॉक्शन. वो आपको शुगर सिरप में ऐड करना है एंड दैट्स कॉफ़ी डिकॉक्शन विद शुगर सिरप हमने सोकिंग के लिए यूज़ किया है. ओके, मैंने ये एक्सप्लेन किया है लाइव में स्टार्ट में. व्हेन दिस लाइव गेट ओवर आपको ये लाइव मिल जाएगा मेरे पेज पे, आप वापस एक बार देख लो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ये मैं डिलीट नहीं करूँगी लाइव सेशन, मेरे पेज पे होगा ये, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम. सो तब तक मैं ये पहले टेबल क्लियर कर लेती हूँ. बॉटल शो करो, मैं यहाँ पे रखती हूँ, आप लोग पहले देख लो. ये 1 kg हो जाएगा अभी आफ्टर एवरीथिंग, ये 1 kg हो जाएगा. वंदना, हाय. हेलो एवरीवन. प्रणाली, ऑनलाइन क्लास कौन से हैं? जो हैंड्स ऑन क्लासेस अवेलेबल है दे आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन. सो यू कैन व्हाट्सएप मी 9820651469, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करो फॉर दी ऑल डिटेल्स, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. मेरा नेक्स्ट सेशन आ रहा है नाउ कमिंग संडे 21st को, जिसे ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. एवरी संडे मेरा केक बेकिंग का क्लास है और बाकी भी सारे कोर्सेस है. एंड नेक्स्ट कमिंग हॉट डेस्टिनेशन इज़ अहमदाबाद, सो नेक्स्ट मंथ हम अहमदाबाद आ रहे हैं. जिसे भी अहमदाबाद के क्लासेस ज्वाइन करने हैं 10th and 11th April, दीज आर 2 dates फॉर दी अहमदाबाद. 10 days फॉन्डेंट वर्कशॉप एंड 11th इज़ माई केक बेकिंग बेसिक डेकोरेशन एडवांस, वो सारा जो हम देखते हैं आप लोगों को जो जितना अच्छा लगता है ये. सो दैट वर्कशॉप इज़ ऑन 11th. सो जिसे भी ये अहमदाबाद के वर्कशॉप्स के लिए इनरोल करना है दे कैन व्हाट्सएप मी. अहमदाबाद के ऑलरेडी सीट्स बुकिंग चालू हो गए हैं, सो जिसे भी बुकिंग करना है दे कैन व्हाट्सएप मी. Last live anniversary cake is just awesome, ma'am. Thank you. Angel, hello.
हेलो किंजल, रुचि प्राइस ऑफ दिस, प्राइस ऑफ दिस केक 500, यू कैन सेल इट एज अ 500 हाफ के जी। प्लीज प्रियंका, प्लीज मैम पहला केक रेसिपी शेयर कीजिए। यस, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप लोग मेरे साथ आइडिया शेयर करो कि आपको क्या देखना है। आई विल डेफिनेटली कम अप विथ नेक्स्ट लाइव सेशन इज डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ के साथ। दिलशाद मैम चीज़ केक सिखाइए। चीज़ केक, यस, चीज़ केक का वर्कशॉप भी है। द होल प्रॉपर वर्कशॉप इज ऑन चीज़ केक। दोज हु वॉन्ट टू जॉइन नाउ, मैं पहले एक बेस कोट कर रही हूँ उसे, दैट इज़ पिंक। मुझे पिंक कलर करना है, सो लाइट पिंक कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर मिस्ट का कलर स्प्लैश, जो कलर है रेड कलर, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। जिगीशा प्लीज शो आयरिश कॉफ़ी बॉटल। यस, मैंने अभी यहाँ रखी थी इसीलिए, मैं बाद में लास्ट में सेशन में दिखा देती हूँ। और सेशन कंप्लीट होने के बाद आप देखो, मैंने इसमें दिखाई है 2-3 बार। अभी हम आगे चलते हैं सेशन में। नीतू हेलो, हाय नीतू। नमिता प्लीज टीच हाउ टू यूज स्टेंसिल। स्टेंसिलिंग, स्टेंसिलिंग लाइव में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। जिगीशा हेलो मैम। हाय जिगीशा, सो मैं अभी ये रेड कलर डाल दिया है मैंने, और मैं एक लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ज़्यादा डार्क नहीं और ज़्यादा लाइट भी नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ वाइट कलर का फ्लावर्स होंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा डार्क शेड। बेसिक टू एडवांस केक क्लास ऑनलाइन अवेलेबल है? यस, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑल क्लासेस आर अवेलेबल ऑनलाइन। दीपिका कम टू सूरत। यस डेफिनेटली, अभी फिलहाल हम अहमदाबाद आ रहे हैं, सो जिसे भी अहमदाबाद के लिए आना है। सो ये मेरा एक पिंक का शेड बना दिया है मैंने। ओके, ये देखो। कुसुम कपकेक सिखाऊंगा। लाइव सेशन में सिखाया मैंने ऑलरेडी, मेरे पेज पे है। शीतल हाय मैम, आई एम शीतल, आप पैठनी साड़ी केक सिखाते हैं? यस, पैठनी साड़ी केक का मास्टर क्लास अवेलेबल है। किसकी प्राइस? क्लास की प्राइस। क्लास की प्राइस मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगी। धनरूपा व्हाट डिड यू मिक्स इन ग्रीन नाउ? कलर कलर, ये मैंने कलर ऐड किया है, जस्ट थोड़ा सा डार्क शेड करना है मुझे पिंक में भी। और पहले हम इसे एक कवर कर लेंगे पिंक कलर से। जस्ट बिकॉज दिस इज माई बर्थडे की एक ऑर्डर है, सो इसके लिए हम थोड़ा सा फ्लोरल डिज़ाइन, और गर्ल का बर्थडे है दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग, एक फ्लोरल डिज़ाइन है और उसके साथ पिंक कलर यूज़ किया है मैंने। थैंक यू मैम। शीतल थैंक्स मैम।
थैंक्स एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हम इसे पहले कोट कर लेते हैं एक कलर से, उसके बाद आई विल शो यू हाउ टू पाइप द फ्लावर्स ऑन द केक। जब भी आप कोई केक बनाते हो या उसका फाइनल डेकोरेशन करते हो तो आपके दिमाग में पूरी डिज़ाइन क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या एग्जैक्टली इसमें करना है, कैसे इफ़ेक्ट्स लाने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रीम भी यूज़ करना पड़ता है, कुछ इसमें आपको लूज़ क्रीम यूज़ करना है, कुछ इसमें आपको स्टिफ़ क्रीम यूज़ करना है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको कैसे क्रीम यूज करना है। दिलशाद, यू आर द बेस्ट। थैंक यू दिलशाद। कोई क्वेश्चंस है केक के रिलेशन में? बॉटल देखनी है? सेशन के लास्ट में मैं वापस एक बार आप सबको मैंने क्या यूज़ किया वो दिखाती हूँ। ये मैंने स्क्रैप करके एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल दिया है। ऑलवेज यूज़ स्टील स्क्रैपर और उसको आपको थोड़ा सा स्लैंट पकड़ के खींचना है। ओके, एकदम ऐसे नहीं पकड़ना है और एकदम दबाना नहीं है, थोड़ा सा क्रॉस पकड़ के बस खींचना है और आपका साइड स्मूथ हो जाएंगे। व्हिपिंग क्रीम स्टिफ होने के लिए आपको तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका क्रीम चिल्ड हो जब आप व्हिपिंग करते हो। देन ऑफ कोर्स क्रीम व्हिप होने के बाद भी आपको उसको ज़्यादा टाइम बाहर खुला नहीं छोड़ना है, अगर खुला छोड़ दोगे तो वापस वैसे ही हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। लाइक अभी समर्स आ रहे हैं तो समर में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल के आपका प्रॉपर क्रीम कवर्ड रहे। एसी, अगर एसी में नहीं काम कर सकते तो भी ऐसे जगह टाइम यूज़ करो जब आपका ठंडा हो। किचन में मत काम करो, वाइल यू आर वर्किंग इन किचन, किचन में मत काम करो। जब आप किचन में काम करते हो तो डेफिनेटली क्रीम लूज़ होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज इट्स अ हॉटेस्ट प्लेस आर आवर होम। जितना हमारा किचन गर्म होता है उतना और कोई जगह हमारे घर में गर्म नहीं होती। सो डोंट गो इन अ किचन, हॉल में काम करो। इस तरह से आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे सो दैट क्रीम आपका लूज़ नहीं हो, बिकॉज अभी जैसे समर आ रहा है तो आपको बहुत ही ये सब कुछ केयरफुली देखना पड़ेगा। आपका क्रीम हमेशा चिल्ड ही होना चाहिए, अगर क्रीम चिल्ड नहीं है तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं। कुसुम, आपका वर्क सबसे डिफरेंट है, यू आर द बेस्ट। थैंक यू कुसुम। नाउ अगेन मैं टेक्सचर दे रही हूँ, ये मैंने लास्ट लाइव में भी दिखाया था। जस्ट मैंने एक सिलिकॉन का ब्रश लिया है और जिससे मैं ये केक को टेक्सचर दे रही हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर प्लीज। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9820 65
1469, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर. ओके, सो ये मेरा केक टेक्सचर करके रेडी है. इफ यू कैन सी द टेक्सचर. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द डेकोरेशन. सो डेकोरेशन के लिए मैं वाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ. क्रीम में बबल्स क्यों आते हैं? ओवर व्हिपिंग के वजह से क्रीम में बबल्स आते हैं. अगर आप क्रीम को ज़्यादा व्हिप करके थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो ड्राई हो जाएगा और फिर उसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. बनी मैम, वन हैज़ टू टेक आउट फ्रॉम द फ्रीजर फॉर व्हिपिंग क्रीम, सो व्हाट टू डू. व्हिपिंग क्रीम को कभी भी फ्रीजर से डायरेक्टली नहीं व्हिप करना है आपको, थोड़ी देर रखने के बाद ही उसको व्हिप कर सकते हो. डायरेक्टली व्हिप करोगे तो वो प्रॉपर व्हिप नहीं हो. फ्रीजर से निकाल के रखो थोड़ी देर और फिर यूज़ करो. रेशमा मैम, प्लीज टेक लाइव सेशंस ऑन टॉल केक लेयरिंग एंड विद स्ट्रिप्स डेकोरेटिंग इफेक्ट इफ पॉसिबल. यस, स्ट्रिप्स. अगेन बनी, हाउ टू चिल द क्रीम एज वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द फ्रीजर एंड नॉर्मल फ्रीज में रखो. फ्रीजर से निकाल के नॉर्मल फ्रीज में रखो उसे थोड़ी देर, सो दैट वो आइस पार्ट निकल जाएगा उसका और फिर उसके बाद आप उससे व्हिपिंग स्टार्ट कर सकते हो. ज्योति हाय. हेलो ज्योति. बनी यू आर टू गुड. थैंक यू. Thank you so much. Now I am using 11 number का नोजल यूज़ कर रही हूँ मैं. अगर आपका क्रीम ड्राई हो जाए तो हम थोड़ा सा उसमें पानी यूज़ कर सकते हैं. ज्योति, if possible, share tall cake sharp edges. शार्प एजेस तो मैं दिखाती हूँ, अभी भी दिखाया मैंने, बट दैट इज़ अ प्रैक्टिकल सेशन. आपको वो एक क्लास अटेंड करना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट शार्प एजेस एंड क्लीन फिनिश आपका केक का स्किल जो है एक अलग ही लेवल में चला जाता है. सो दैट इज़ ऑल प्रैक्टिकल जो आपको सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नाउ आई एम यूजिंग दिस 11 नंबर का नोजल है ये. ओके, और मैं इसके कपलर के साथ लगा रही हूँ. This is my 11 number nozzle. Ashwini, how long should we whip cream? जब तक आपके स्टीफ पीक नहीं आ रहे. पिक्स आपको चेक करते रहना चाहिए जब तक आपके पिक्स आ रहे, सो दैट यू हैव टू चेक द पिक्स. आपको इस तरह से पिक्स चेक करने हैं और ऐसे जब तक स्टिफ पिक नहीं आ रहे तब तक आपको इसको व्हिप करना है. ओके, आपका क्लास मुंबई में कहाँ है? बोरिवली में. क्लासेस आर इन बोरिवली. बोरिवली में मेरा स्टूडियो है, वहाँ पे मेरे सारे क्लासेस होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बाहर का अगर आपको अटेंड करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए. बाकी मुंबई में हमारे क्लासेस बोरिवली में होते हैं. आरती, केक कंप्लीट झाल्यावर किती वेळ फ्रीज मध्ये ठेवायचा सेफ साठी? ऑलमोस्ट वन आवर तो रखना ही पड़ेगा. वन आवर रखो ताकि केक आपका अच्छे से चिल्ड हो जाएगा.
जब तक आपका केक कंप्लीट हो के आप उसको चिल्ड नहीं करते, तो फिर जब आप केक कटिंग करते हो तो आपको प्रॉपर पीसेस नहीं मिलते और फिर टेस्ट भी एनहांस नहीं होती। सो इसीलिए आपको केक कंप्लीट करके 1 से 2 घंटा अगर आप फ्रिज में रखते हो तो 2-3 फ़ायदे इसके। एक तो केक सेट हो जाता है, आपको ट्रैवलिंग करना है तो ईजी हो जाता है, देन फ्लेवर्स अच्छे से एनहांस होते हैं, केक में मिक्स हो जाते हैं, और केक के जो पीसेस है वो आपको इवनली कट कर सकते हो। तो इसीलिए आपको केक अभी भी कंप्लीट करके उसको सेट करना है, ऐसे ही तुरंत नहीं कट करना है। ओके, नाउ आई एम यूजिंग दिस नोज़ल और इसे मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ और मैं एक डायरेक्टली पाइप कर रही हूँ फ्लावर, तो आपको अभी मैं दिखाती हूँ सो दैट आपको आइडिया आ जाए। मैं एक गाइडलाइन कर लेती हूँ। ओके, सी नाउ हमें इस तरह से इसके पेटल्स करने हैं। ओके, होप आपको सबको दिख रहा है। ओके, सो मैंने ये एक फ्लावर्स को पाइप कर लिया है इस तरह से, मैं और 2 फ्लावर्स को पाइप कर रही हूँ यहाँ पे। रश्मि, हाय मैम, रश्मि साहू, यू नो मी फ्रॉम नवी मुंबई। यस, हाय रश्मि, हाउ आर यू। सी मैंने ये ऐसे एक एक करके सारे पेटल्स को पाइप कर लिया है। ओके, दीज आर माई 2 फ्लावर्स रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रहा है, और एक फ्लावर, सिर्फ 11, सिर्फ 11 है ये। Which nozzle is this, Meenakshi? This one is 11 number nozzle. ये ओनली 11 नंबर नोजल है। राजश्री बा, हाय मैम। हेलो राजश्री जी। तजेंद्र, मैम हाउ वी कैन यूज रशियन नोजल? रशियन नोजल आप यूज़ कर सकते हो व्हिपिंग क्रीम में, बट बहुत डेलिकेट है वो करना, जस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपका क्रीम की कंसिस्टेंसी ये सब कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज़ द रशियन नोजल। ओके, नाउ ये मैंने फ्लावर्स को पाइप कर लिया है, जस्ट आई एम यूजिंग डिफरेंट नोजल जिसका सेंटर करना है मुझे। मैंने एक सिंपल नोजल लगा दिया है और उससे मैं, दिस इज जस्ट 2 नंबर नोजल है मेरा, तो मैंने इस तरह से ये पाइपिंग कर ली है, अगर आपको दिख रहा है। मैं एक बार और आपको एक फ्लावर बना के दिखाती हूँ बोर्ड के ऊपर, सो दैट यू विल गेट टू नो के कैसे मैंने किया है। ओके, नाउ आई विल ऐड सम लीव्स। अभी फ्लावर्स तो हो गए, इसके साथ हमें थोड़े से लीव्स ऐड करने हैं। सो लीव्स के लिए मैं एक कलर बनाती हूँ।
रश्मि, नाइस मैम, यू आर सुपर, थैंक यू फॉर योर टिप्स. थैंक यू सो मच. गीता, नोजल्स कौन सा है? विच वन नोजल? आई हैव यूज्ड 11 नंबर नोजल. जीनत, प्लीज शो द नोजल यू आर यूजिंग. हे जरा दाखव तिकडे, हे नाही, थांब, हे नोझल कॅमेऱ्याच्या जवळ घेऊन जा. नाउ आय एम यूजिंग ग्रीन कलर. ये मैंने अभी ग्रीन कलर बना दिया है जस्ट फॉर द लीव्स. दीप्ति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R11 एंड 11 नंबर नोजल? साइज डिफरेंस है और कुछ नहीं. ये छोटा नोजल है, ओनली 11 नंबर इज छोटा नोजल है और R11 लिटिल बिट अ बिगर, दैट इज यूज फॉर द रोजेस. हम रोज के लिए यूज करते हैं. हेलो मैम, गुड टू सी यू. हेलो, साइज डिफरेंस है दोनों में. मैं आपको दिखाती हूँ ये केक कंप्लीट होने के बाद. आई विल शो यू द डिफरेंस आल्सो और एक बार आपको फिर से ये यूज करके दिखाती हूँ. लेट मी फिनिश द केक, देन आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नोजल्स एंड एक बार वापस फ्लावर्स बना के दिखाती हूँ. लक्ष्मी मैम, आई हैव अटेंड योर वर्कशॉप एट बोरिवली एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. थैंक्स लक्ष्मी. रूपल, व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास ऑफ व्हिपिंग क्रीम शार्प एजेस क्लास इन बोरिवली? शार्प एजेस का क्लास अभी नेक्स्ट मंथ होगा. वी हैव जस्ट फिनिश शार्प एजेस क्लास, दैट वाज आल्सो ऑसम. बहुत अच्छे हैंड पेंटिंग किए थे मेरे स्टूडेंट्स ने विद द शार्प एजेस. कुछ क्लासेस के फोटोग्राफ्स शेयर करना रह गए, उसमें से शायद ये एक क्लास है जिसके फोटोग्राफ्स मैंने शेयर नहीं किए पेज पे, बट डेफिनेटली आई विल शेयर द फोटोग्राफ्स ऑफ टॉल केक्स शार्प एजेस. Which green is that? Green color ये है, this is shape master green color है, ये neon green color. दिख रहा है? Jaswinder, beautiful. थैंक यू. सी नाउ मेरा ग्रीन कलर अभी रेडी है, उसे मैं एक पाइपिंग बैग में भर देती हूँ. थैंक यू. मैं वापस कपलर यूज़ कर रही हूँ सो दैट अगर मुझे लगे कि मुझे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करने हैं विद द डिफरेंट नोजल, सो दैट ऑलवेज हेल्प मी के और नोजल चेंज करने में यूज़फुल हो जाता है. कलर क्रीम को सिर्फ एक ही तरह से यूज़ करो कि उससे प्रैक्टिस करो सो दैट नेक्स्ट टाइम आपका परफेक्ट फिनिशिंग वाला पाइपिंग आ जाए. क्योंकि अगर कलर बनाया है आपने ऑलरेडी तो आप उसको लेयरिंग में भी नहीं ऐड कर सकते. सो इसीलिए एक तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन करो कलर,
जस्ट बिकॉज आपको आइडिया होता है कि मुझे कौन सा कलर कितना चाहिए, सो दैट वो आप उस जितना चाहिए उतना ही कलर करो, बाकी वाइट रखो. सो दैट वाइट क्रीम आप ब्लेयरिंग में यूज़ कर सकते हो जो भी बचता है आपका, बट कलर क्रीम आप मोस्टली नहीं यूज़ कर सकते, लाइक ग्रीन है, रेड है, तो ये सारे कलर्स हम ब्लेयरिंग में नहीं यूज़ कर सकते. सो इसीलिए बेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करो. नाउ आई एम यूजिंग ये मेरे लीव्स कर रही हूँ मैं. Which green color you use? आई एम यूजिंग शेफ मास्टर का ग्रीन कलर है, ये नियॉन ग्रीन कलर. प्रिया हेलो मैम. हेलो एवरी वन. हेलो प्रिया. विच कलर यू? आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि हम शेफ मास्टर का ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं. कपलर आपको कोई भी नॉर्मल शॉप में मिल जाते हैं. प्रियंका हाय मैम. हेलो डिंपी. लेफ्ट ओवर क्रीम कितने दिन तक रख सकते हैं एंड कैसे यूज कर सकते हैं? लेफ्ट ओवर का यूज कर सकते हैं जस्ट लेयरिंग में. आपको लेफ्ट ओवर क्रीम जस्ट लेयरिंग में यूज करना है. ओके अभी यस रुचिता. What is number of the leaf nozzle? Leaf nozzle is 47. ये मेरा छोटा छोटा लीफ का नोजल है. और मैं ये छोटे गोल्डन बीड्स है जो यूज़ कर रही हूँ मेरे फ्लावर्स के बीच में. लिक्विड कलर या जेल कलर ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आप व्हिपिंग क्रीम के लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो. द मेन थिंग इज़ विच शेड यू वॉन्ट. अगर आपको कोई भी डार्कर शेड्स चाहिए तो आप जेल कलर यूज़ करो, और आपको कोई भी पेस्टल शेड्स चाहिए देन यू कैन गो फॉर द लिक्विड कलर्स. ओके सो दिस इज़ हाउ आई हैव डेकोरेटेड. वेरी सिंपल वे में मैंने ये केक डेकोरेट किया है. मैम आपकी मदर इन लॉ को मेरा नमस्ते कहना, बहुत सपोर्ट करते हैं आपको. यस डेफिनेटली बोल दूंगी. नाउ आई एम यूजिंग वन टॉपर. मैं यहाँ पे ये टॉपर यूज कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे का. और थोड़े से आप सबको कैसे लग रहा है केक? थैंक यू आरती. वाओ मैम लुक सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. ये देखो ये हमारा केक कंप्लीट हो गया है. इसे कोई बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू फील इसे बॉर्डर करनी है तो मैं आपको बॉर्डर की भी एक डिज़ाइन दिखा देती हूँ. एक सिंपल हम बीड्स की तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं. आई जस्ट यूज दिस. मैं क्रीम को वापस भरती हूँ बिकॉज क्रीम अगर हम रखते हैं तो क्रीम ड्राई हो जाता है, तो उसे मैं वापस थोड़ा सा मिक्स करके
यूज़ कर रही हूँ। सुपर, थैंक यू। सिंपल बट सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आरती, अमेजिंग डिज़ाइन, बहुत ही कम क्रीम और कम डिज़ाइन, बहुत ही क्रीम। अगर ज़्यादा नहीं खाना है आपको तो इस तरह के फ्लोरल डिज़ाइन आप बना सकते हो जिसमें कम क्रीम लगता है और दिखने में भी बहुत ही एलिगेंट लगता है। आजकल लोग ज़्यादा क्रीम खाना अगर पसंद नहीं है किसी को तो फिर आप इस तरह के डिज़ाइन बनाओ जो दिखने में भी एलिगेंट है और आपको मेहनत भी कम है, क्रीम भी कम है, जो सबको ज़्यादा पसंद आते हैं कंपैरेटिवली। बहुत बहुत बड़े फ्लावर्स बनाना, अगेन मैं सेम नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, छोटा सा बॉर्डर कर रही हूँ इसको, बिकॉज़ ये केक ऑलरेडी इतना एलिगेंट है इसे ज़्यादा बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। रेशमा, यू आर द बेस्ट मैम, थैंक यू। नीलम, थैंक यू रेशमा, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप सबको मेरा काम अच्छा लगता है। नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ पीछे से, ओके, और जस्ट हमें इसको डॉट, जैसे पर्ल्स होते हैं उस तरह डॉट्स के, बिकॉज आई हैव यूज पर्ल्स ओवर हियर, सो उसके लिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स कर रही हूँ। ममता, ब्यूटीफुल। रुचिता, योर क्रिएटिविटी नेवर फेल्स टू सरप्राइज मी, सिंपल येट ब्यूटीफुल केक, थैंक यू रुचिता। अनीता, इज दिस 1 kg केक? यस। कविता, आई लाइक योर पेशेंस, थैंक यू सो मच, इट हार्ड टू बी लाइक दिस। मनीषा, अमेजिंग डिजाइन। नम्रता, विच फ्लेवर? कॉफ़ी फ्लेवर है ये, जिसका भी अभी लाइव सेशन मिस हो गया है दे कैन वॉच एनी टाइम, ये पेज पे है। रेशमा, फॉर डॉट्स आल्सो सेम नंबर? यस सेम, ये मैंने 2 नंबर का नोजल यूज किया है। फाल्गुनी, वाव सुपर। यस, सो ये हमारा केक कंप्लीट हो गया है, होप यू ऑल लाइक इट। मैं अभी आपको ये वापस एक बार दिखाती हूँ कैसे मैंने किया है। R11 और 18 नंबर नोज़ल, ये दोनों नोज़ल मैं आपको दिखा देती हूँ बाजू बाजू में। नाउ ये आपका कन्फ्यूजन, दिस इज़ R11 और दिस इज़ 11, ये 11 है, दिस इज़ R11, बोथ द नोज़ल्स आर सेम, जस्ट साइज डिफरेंस है। ओके, अभी मैं आपको ये एक बार करके दिखाती हूँ। सो ये मैंने नोजल हम जिस तरह से पकड़ते हैं, सो ये ब्रॉड पोर्शन ऊपर की तरफ है, स्मॉलर पोर्शन नीचे है, जो थिन पोर्शन है वो नीचे है, ब्रॉड पोर्शन ऊपर की तरफ है। एंड जस्ट आई एम पाइपिंग दिस, ये देखो, ये मैंने इस तरह से एक पेटल की है, उसी के बाजू में ये दूसरी पेटल की है। ओके, इसी तरह से आपको पूरा केक कंप्लीट करना है।
ये देखो, ओके। सो इस तरह से ये सारे फ्लावर्स बनाए मैंने। होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया है, आपको सब अच्छे से दिखाई दे रहा है। सो यू हैव टू जस्ट होल्ड इट लाइक दिस और एक एक पेटल्स करो। सिंपल है, इजी है और नंबर है 11 नंबर, ओके। अनीता, व्हाट इज द प्राइस? प्राइस फॉर केक हाफ के जी 500, बिकॉज आई एम यूजिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी फ्लेवर हम कर रहे हैं। आज हमने कॉफ़ी फ्लेवर किया है विद द सिंपल पाइपिंग टेक्निक्स। सो ये मेरा आज का केक है, जवर घेऊन दाखव। सो ये आज के लाइव सेशन के बारे में आपके कुछ क्वेरीज, आई गेस मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। और आई स्टे इन वडोदरा, वडोदरा में तो फ़िलहाल कोई प्लान्स नहीं है, बट डेफिनेटली आई एम कमिंग टू अहमदाबाद। अगर आप अहमदाबाद आ सकते हो तो यू कैन जॉइन माय अहमदाबाद क्लासेस। राइट नाउ आई विल शो यू ऑल, बहुत सारे टेक्निक्स है जो मैं हमेशा आपके साथ लाइव में शेयर करती रहूँगी, बट फ़िलहाल ये केक और ये टेक्निक के साथ आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और भी बहुत सारे टेक्निक्स लेके आई विल कम इन अ नेक्स्ट सेशन। हर एक सेशन का एक एक नोज़ल या एक एक जो भी हमें पार्ट होगा उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। सो आज हमने ये इलेवन नंबर से किया है। देन कॉफ़ी फ्लेवर है, सेशन पेज पे रहेगा। जिसे भी कोई कन्फ्यूजन है तो जब ये लाइव सेशन एंड हो जाएगा आप उसके बाद में देख सकते हो, मैं डिलीट नहीं करूँगी। मेरे सारे सेशन मेरे पेज पे है, यू कैन वॉच इट एनी टाइम। आप कभी भी देखना है देख सकते हो। और क्लासेस से रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेरीज है, डिटेल्स चाहिए, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9820651469। ये केक का फ़ोटो मैं पेज पे शेयर करती हूँ थोड़ी देर में, और आप और कमेंट्स में दिखिए कैसे लग रहा है आपको केक एंड ऑल द थिंग्स।